تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. हाँ भाई, क्या हाल है? मैं हूँ हसन एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड अ नॉन स्टेम डिग्री एंड हाउ इट हेल्प्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस. तो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक एंड डिस्कस इट. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेम एंड अ नॉन स्टेम डिग्री, तो लेट्स एस्टैब्लिश व्हाट स्टेम स्टैंड्स फॉर. सो स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. इसके अंदर जो भी आएगा वो स्टेम का पार्ट है. सिमिलरली मैंने बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस को हाईलाइट किया जो स्टेम के और नॉन स्टेम डिग्रीज में आता है. जो ये स्टैट्स वाला पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस और जितनी भी जो बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज आती हैं वो स्टेम से मिलके इसमें आती हैं. उसके बाद लेट्स मूव के भाई एडवांटेजेस क्या हैं. तो आपको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है क्योंकि मोस्टली टॉप टीयर स्कूल्स स्टेम प्रोफेशनल्स को प्रेफर करते हैं. उसके बाद CPT आपको मिल जाती है जिसकी वजह से आपको इंटर्नशिप मिल जाती है. मेरे खुद के दोस्त को टेस्ला में मिली है. उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट खुद कह रहा है भाई US में 10.5% जॉब्स ग्रो कर रही हैं पर एनम. आपके US के अंदर इतनी जॉब्स बढ़ रही हैं, बाकी प्रोफेशंस की नहीं बढ़ रही इतनी. फिर आपको 36 months की OPT मिल जाती है जो आपको यहाँ पे काम करने की परमिशन देती है. उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 3 चांसेस मिलते हैं टू गेट इन द लॉटरी ऑफ H1B वीज़ा. और उसके बाद तो आपको पता है US आते हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लीडर्स और कंपनी में आपको नेटवर्क और काम करने का मौका मिल जाता है. तो ये होता है इफ़ यू एनरोल इनटू अ स्टेम प्रोग्राम. जो वीडियो देखी है इस पर मैंने समझा दिया है कि स्टेम डिग्री क्या होती है और स्टेम डिग्री को पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं. तो आप इस पर रिसर्च करें, इसको समझें. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे DM कर दें. अब मैं आप लोगों को इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा व्हाट इज़ अ नॉन स्टेम डिग्री और उसको पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं. और फिर आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ. टेक केयर.